विमल इलायची का नया विज्ञापन सामने आते ही एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। इस एड में शाहरुख खान और अजय देवगन के बाद जो तीसरा नाम सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया। बता दें इस बार विमल इलायची में अक्षय कुमार भी नजर आए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खिलाड़ी कुमार को बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। दरअसल अक्षय कुमार ने जब से टीवी पर आकर बोलो जुबा केसरी बोला है तभी से वह मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अब उन पर फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने भी निशाना साधा है। बता दें फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जहां अक्षय कुमार एक आम आदमी को सैनिटरी पैड पर पैसा खर्च करने के बारे में बताते हैं उसे अब से फिल्मों से हटा दिया जाना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक तरफ जहां एक जाना माना सुपरस्टार जनता को सिगरेट पर खर्च न करने के लिए कह रहा है तो वहीं दूसरी ओर वही अभिनेता पान मसाला खाने की भी सलाह दे रहा है, जनता के लिए बहुत भ्रमित करने वाला है। इसके अलावा पूर्व सेंसर बोर्ड प्रमुख बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से भी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस न्यूडिटी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और लोगों को ये सब मुफ्त में देखने को मिल रहा है। वैसे पहलाज निहलानी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।